आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का टॉपिक जो है हमारा लाइट चैप्टर में चला रखा है उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। हमने एक कदम डाल दिया बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म कर दिया हमने। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। अब मैं आपको बता देता हूँ रिफ्रैक्शन से पहले कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में नोटिस की होंगी कभी ना कभी। अगर नहीं किया तो कर लेना बेटा, देख लेना करके, हो सकता है आपके पास टाइम हो करने का तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन को आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्लास के अंदर से देखा है, जैसे कांच के अंदर से टुकड़ा है कांच का आपके पास और आप उसके अंदर से देख रहे हो, आपको ऑब्जेक्ट इधर से उधर दिख रहा है। जैसे कई बार हम ट्यूबलाइट को देखते हैं पानी की बोतल से और ट्यूबलाइट जो उसकी एक्चुअल पोजिशन है उससे थोड़ा इधर उधर दिख रही है, या आप किसी भी मिरर के अंदर या मिरर नहीं ग्लास के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो छोटा या बड़ा दिखाई दे, तो ये सारे जो एग्जांपल हो रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर दिख रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बड़ा था वो छोटा दिख रहा है। पानी में आपने क्या किया, कॉइन गिरा रखा है कोई पानी की, जैसे आप टैंक है कोई उसके अंदर कॉइन पड़ा है, वो कॉइन आपको ऊपर उठा दिखाई दे, पानी के अंदर पेंसिल पड़ी हुई मुड़ी हुई दिखाई दे, तो ये आप सारे ठीक है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम समझा दिया मैंने आपको मीडियम क्या होता है, या आप सबसे पहली वीडियो देखिए मेरी, सबसे पहली इस चैप्टर की लाइट वाली, इसमें आपको मीडियम पता चल जाए क्या होता है, रिफ्लेक्शन जहाँ पर स्टार्ट किया है उसको देखिए। मीडियम जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ सा जो उसका रास्ता होता है उससे बैंड हो जाती है, अपने पाथ से बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी और वो अपने पाथ से बैंड हो जाएगी, उस फिनोमेना को, इस नेचुरल है ये, इस नेचुरल फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट हमने इसका पता लगा लिया है कि होता क्यों है, जिसके बारे में भी बात करेंगे हम, कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बैंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ रास्ता होता है डा, ठीक है, ओरिजिनल असली होता है, तो इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फिनोमिना ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ठीक है ना। बड़ा सिंपल से वर्ड में लिखवा दिया, जैसे मैंने बोला वैसे लिख दिया इसको, और आपने भी ऐसे ही करना है। साइंस अगर आप सीखना चाहते हो तो जो आपको समझ में आए उसको लिखना सीखिए अपने वर्ड्स में, और इसको डेली लाइफ से जोड़िए, जितना आप डेली लाइफ से इसको ज़्यादा जोड़ोगे साइंस को उतना आपको समझ में आएगी, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं रट्टा लगाने पड़ते जिसके बाद हम दिक्कत होती है डबल्डी, भूल जाते हैं, बेइज्जती हो जाते हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है ना, कोई पूछ लेगा आपको आएगा नहीं, फिर आपको कहेगा ये क्या पढ़ा आपने आज तक, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करो, समझ लो बातों को और समझोगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने पाथ से बैंड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अगर बैंड नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उसको, तो रिफ्रैक्शन नहीं बोलना आपने, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन कब बोलना, जब लाइट बैंड हो जाए। अब बात करते हैं हम कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड क्यों होती है, ये 8th क्लास में भी सीखा होगा आपने, पर वहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर छोटा दिमाग होता है आपका, आप दिमाग थोड़ा बड़ा हो गया मानना है ऐसा आप लोगों का, वैसे दिमाग तो तब ज़्यादा फ्रेश था, थोड़ा बर्डन ज़्यादा आ गया ना, मोबाइल फ़ोन पबजी वगैरह खेलते हो इनका ज़्यादा बर्डन आप दिमाग के ऊपर। तो अब बात करते हैं हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना जो जो बातें आपको सिखाऊंगा। देखिए रिफ्रैक्शन होता क्यों है, पहले तो हम बात करते हैं, आपने हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पढ़ा होगा, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी और लो ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ा आपने 8th क्लास में पढ़ा है। हाई ऑप्टिकल डेंसिटी किसको बोलेंगे, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है,
क्योंकि लाइट भी एक तरह से एनर्जी है, पार्टिकल है जिसको चलने के लिए रास्ता चाहिए। जितना आपका डेंस होगा, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उतनी लाइट की स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि उसको भीड़ भाड़ से निकलना है। जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रास्ता होगा, उतना इसको टाइम लगेगा पहुँचने में आगे। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, आप एक प्लेन मैदान है, खुला है, बिल्कुल साफ है, और उसमें आपको रेस लगानी है तो आप आसानी से दौड़ोगे। और एक में बच्चे खेल रहे हैं, बीच में भीड़ है बहुत ज़्यादा, और आप उसके अंदर से दौड़ना है तो आपको टाइम लगेगा, कभी ऐसे क्रॉस करके जाना है। तो सॉरी बेटा, हाई डेंसिटी इसको बोलेंगे, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसमें पार्टिकल डेंस होंगे, पार्टिकल क्लोजली पैक हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक हैं। और लो डेंसिटी इसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल दूर दूर हैं। अब इसके एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ, बात ऐसी है, ये पार्टिकल, ये जो मीडियम होंगे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए बेटा, जैसे एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड, ये आपके ऑप्टिकल मीडियम होते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो जाए। तब आप मेरी बात समझिए, एयर की डेंसिटी कम है या वाटर की डेंसिटी कम है? तो एयर की डेंसिटी कम है, क्योंकि एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं, और वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जब एयर को वाटर को हम आपस में कंपेयर करेंगे, तो एयर को बोल देंगे रेयर मीडियम, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और वाटर को बोल देंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वाटर की और ग्लास की। तो जब आपको बोलना है वाटर आ जाए, ग्लास आ जाए, तो वाटर क्या है, रेयर, और ग्लास क्या है, डेंसर। तो जब रेयर और डेंसर पहचाना जाता है, तो ये कंपेयर में पहचाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे वाटर कि वाटर डेंसर है या रेयर है, तो आपने पहले तो उसको यही पूछना है कि वाटर के साथ किसको कंपेयर करना है। अकेला वाटर को नहीं बता सकते आप, वाटर क्या है, वाटर तो वाटर है, ना हमें पता रेयर है। अब वाटर के साथ देखना ना, आप एयर कंपेयर कर रहे हो या ग्लास कंपेयर कर रहे हो, तो हम कंपेयर में बताते हैं कौन रेयर और कौन डेंसर है। तो जिसकी डेंसिटी कम दूसरे से, उसको क्या बोलेंगे, रेयर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए, रेयर, और दूसरा वर्ड है बेटा डेंसर। ठीक है, लो डेंसिटी, लो ऑप्टिकल, लो ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसको क्या बोलेंगे, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आपके लिए लिखा मैंने, वैसे ही दोनों वर्ड क्या रिलेटिव में है, रेयर और डेंसर कैसे पहचानने, आपने उनको कंपेयर करना है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा किसकी कम है। वैसे आपको पता ही होगा, आपके पास चार बातें आएंगी, वैक्यूम जहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं होता उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, उसके बाद एयर, वैक्यूम से थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद वाटर थोड़ी एयर से ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद ग्लास थोड़ी वाटर से ज़्यादा, उसके बाद डायमंड, डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है आपके पास अगर कोई केस आएगा तो। वैसे डायमंड का नहीं आएगा आपके पास, वैक्यूम, एयर, वाटर और ग्लास, ये चार बातें होती हैं इनकी, आपको मैंने बता दिया किसकी डेंसिटी कम है किसकी ज़्यादा है। तो ये आप समझ गए, अब आपको समझना इससे अच्छा टॉपिक क्या है कि रिफ्रैक्शन होगा क्यों। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन का कोर्स बोल देते हैं, जैसे आप बुक में पढ़ सकते हो, वेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देर इज ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन अक्कर, कि लाइट की स्पीड में चेंज होने से रिफ्रैक्शन होता है। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट की स्पीड में जो चेंज हुआ, उस चेंज होने से रिफ्रैक्शन, लाइट मुड़े क्यों, लाइट सीधी क्यों नहीं गई, मुड़ क्यों जाती है लाइट, अब उसको समझना आपने। देखिए यहाँ पर, ये हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर लाइट जाएगी। ठीक है बेटा, ये बेटा ग्लास, क्या है ये ग्लास, इससे ऊपर एयर है, इससे ऊपर क्या है, एयर, बाहर जो है ये ग्लास का एक टुकड़ा है, और इसके ऊपर क्या है, एयर है, बाहर एयर है। अब हम क्या करते हैं, लाइट को एयर से लेके आते हैं, लाइट एयर से आएगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटा, लाइट कभी भी ना, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लाइट की रे आती है, एक्चुअल में लाइट की रे नहीं आती है कभी भी, मिलियंस ऑफ रे होती हैं एक लाइट, अगर आप टॉर्च जला रहे हो तो मिलियंस ऑफ रे काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी रे होती हैं। तो हम यहाँ पर दो रे बनाते हैं, लाइट हमारी ऐसे आ रही है, ऐसे इस एंगल पे आ रही है, ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारी लाइट ऐसे आ गई, एक लाइट ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ऐसे आ गई, एक ही है ये लाइट, इसके बीच में ऐसे पूरी एक ये लाइट है, लाइट का बीम आ रहा है, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, हिंदी में प्रकाश पुंज बोलते हैं इसको, कि एक लाइट का पूरा एक ऐसे बीम आ रहा है, पूरी इसके बीच में लाइट ऐसे बनी हुई है। हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल को देखते हैं सेम टाइम पर, मान लेते हैं एक पार्टिकल ये है ए और दूसरा पार्टिकल है ये बी। ठीक है, दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं,
अब कुछ टाइम बाद ये ए यहाँ पर पहुँच जाएगा, बी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ऐसे पहुँचते पहुँचते एक टाइम आया कि ए तो यहाँ पर पहुँच गया, ए और बी यहाँ पर पहुँच गया। कुछ बात समझ में आई मेरी? देखो इसको ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लिया तो यहाँ पर भी ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे ही बनेगा। तो ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल, कहीं बीच में बना लो, ये ए है और ये बी है, ये चलते जा रहे हैं ऐसे। अब आपने यहाँ पर समझना होगा क्या, देखिए ग्लास के अंदर पहले ए जाएगा या बी जाएगा, किस पार्टिकल की एंट्री पहले होगी? देखिए पहले ए की एंट्री होगी, फिर बी एंटर करेगा क्योंकि बी थोड़ा दूर है अभी, ठीक है ना। हम मान लेते हैं आफ्टर, देखो वन सेकंड बना रहा हूँ मैं, एक सेकंड के बाद ए यहाँ पर पहुँच गया, उससे अगले सेकंड में ए यहाँ पर पहुँच गया, एक सेकंड बाद देखते हैं, एक सेकंड बाद क्या हुआ, ए पार्टिकल ने तो डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना, ठीक है, यहाँ पहुँच गया, और एक सेकंड बाद बी ने ट्रैवल किया इतना, वो यहाँ पहुँच गया। कुछ समझ आया? थोड़ा और कम कर लेते हैं एक और, आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है डायग्राम। तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, अच्छा किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, बी ने, दिख रहा है डायग्राम में, थोड़ा देखिए बी की डिस्टेंस मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, ए की डिस्टेंस थोड़ी कम बनाई है, तो बी ने ज़्यादा क्यों ट्रैवल किया, क्योंकि बी एयर में है, और ए ने कम क्यों ट्रैवल किया, ए ग्लास में है। समझ में आई बात? तो ये तो एक वो एग्जांपल हो गया, आपने वो गाड़ी ऐसे ट्रॉली होती है जिसके दो टायर होते हैं, चलाई है कभी लाइफ में? तो अगर हम उसको चला रहे हैं ऐसे हाथ से पकड़े चलाते हैं उसको, दो टायर उसके, अगर किसी ने उसका एक आपका जो राइट साइड वाला टायर है वो पकड़ लिया, रोक दिया टायर को, या किसी ने अकेले डाल दी, तो आपकी ट्रॉली ऐसे मुड़ जाएगी, आपकी ट्रॉली क्या करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर वाला टायर रुक गया, उधर वाला टायर तो चल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर भी यही काम हुआ, ए को क्या किया, ग्लास ने पकड़ लिया, उसकी स्पीड कम कर दी, बट बी को एयर में है, बी को किसी ने नहीं पकड़ा, बी की स्पीड उतनी है, तो बी थोड़ा आगे आ गया, ए थोड़ा पीछे रह गया। तो अब उसके बाद आपने इनको मिलाया दोनों को, तो आपका जो ये बीम था वो ऐसे हो गया, पहले तो ऐसे था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब दोनों किसके अंदर आ गए, ग्लास के अंदर आ गए, अब दोनों सेम स्पीड से चलेंगे। अब एक सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुँच गया, बी भी यहाँ पर पहुँच गया, ऐसे मिलता हुआ, तो आपकी लाइट क्या हो जाएगी यहाँ से, ऐसे, तो आपको लग रहा है लाइट क्या हो गई, मुड़ गई। तो लाइट की स्पीड तो चेंज हुई है, बट स्पीड चेंज होने से ऐसे लाइट मुड़ती है एक्चुअल में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। लाइट क्यों मुड़ती है, अब समझ में आ गया आपको, तो लाइट ऐसे आएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं इसको बनाने के, डायग्राम में तो अच्छा नहीं लगेगा, पेपर में अगर आप बना गया था ऐसा, तो आपने बनाना भी नहीं बेटा ऐसा। अगर आपसे पेपर पूछे थे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, टीचर क्या करेगा, बुक वाला ही पढ़ता है और वो आंसर दे आपको, मार्क्स दे देगा आपकी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा दिया, ताकि आपको समझ में आए, आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, आप एक अच्छा जो है साइंस पे अपना होल्ड बनाए, और जब साइंस पे होल्ड बनेगा या मैथ के ऊपर होल्ड बनेगा, तो आप बड़े अच्छे, आपके अंदर आपका माइंड भी शार्प हो जाता है बेटा, तो आप अपना होल्ड बनाए इनके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से देखिए लाइट ऐसे आएगी और ऐसे मुड़ गई। अब सेम केस यहाँ से होता अगर लाइट बाहर निकलती, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, वो भी कर देते हैं यहाँ पर, समझा देते हैं आपको। देखिए ये ग्लास है, ये लिखा हुआ है, दोनों के लिए काम चल गया, इसके ऊपर क्या है, एयर है, यहाँ पर एयर है। अब लाइट अपनी ग्लास से एयर में जाना चाहती है ऐसे, ये लाइट आ रही है ऐसे, ऐसे लाइट आ रही है, और ये इसका ऐसे डिज़ाइन हम जो बना रहे हैं पहले वो ऐसे था, ठीक है। ये पार्टिकल कौन सा है, ए, और ये पार्टिकल कौन सा है, बी। समझ में आया? वही केस है बेटा, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है, ये ए बी ऐसे चलते जा रहे हैं। अब क्या होगा, एयर के अंदर कौन पहले जाएगा, एयर के अंदर पहले जाएगा ए, और बी क्या रहेगा, ग्लास के अंदर। तो जब ए एयर के अंदर जाता है, तो ए ने तो क्या किया, ऐसे ट्रैवल किया डिस्टेंस यहाँ तक, और बी अभी ग्लास के अंदर है, तो बी ने कितना ट्रैवल किया, यहाँ तक। तो कौन ज़्यादा ट्रैवल कर गया, ए, क्योंकि ए को क्या हुआ, अपना फ्री स्पेस मिल गया चलने के लिए, पहुँच गया जल्दी से। तो अब दोनों को हमने एक सेकंड बाद मिलाया, तो दोनों अपने कैसे हो गए, ऐसे। अब आपके जो मार्क बने वो सारे ऐसे बनेंगे, और आपकी लाइट ऐसी हो जाएगी, तो लाइट क्या होगी, अब ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी। ये भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है,
इसमें किसमें से लाइट आ रही है? रेजर टू डेंसर, और इसमें क्या हो रही है बेटा? डेंसर टू रेजर। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। देखिए कैसे विड्रॉ करना है, आपने एक्चुअल जो डायग्राम बनाना है वो ऐसे बनाना है। ये तो हो गया बेटा पूरा लाइट बीम, इसका मीन ड्रॉ कर लेते हैं। मीन लाइट है इसकी, एक लाइट आती है यहाँ से, इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ कर देना है जैसे रिफ्लेक्शन में किया था, और मीन इसकी कैसे जाएगी ऐसे, ठीक है? समझ में आया? इस केस में भी ऐसे ये लाइट जाके यहाँ पर लगती है, इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ किया, अब लाइट कैसे जाएगी ऐसे। तो लाइट यहाँ पर ऐसे जाती है, यहाँ पर ऐसे जाती है। तो ये आपको वही केस आपके पुराने 8th क्लास वाले, जब लाइट रेजर से डेंसर में आएगी बेंड टुवर्ड नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेजर में जाएगी बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप इसको ऐसे समझिए, जितना आप इसको अच्छे समझेंगे उतना आपको आएगा। अब ऑब्जेक्ट आपको इधर उधर क्यों देखते हैं वो भी समझा देता हूँ आपको मैं, थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जा रहा हूँ आपको मैं, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ चैप्टर को, क्योंकि अच्छे चैप्टर बेटा पूरी ज़िंदगी काम आएंगे आपके, आप इनको सीख पाओगे। तो अगर देखो होता क्या एक्चुअल में, ये यहाँ पर ना कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए मान लेते हैं, और ये आपने बीच में क्या किया, ग्लास का टुकड़ा लिया, ठीक है? और आपकी आई, आप इसको यहाँ से देख रहे हो चीज़ें ऐसे, ये आपकी या यहीं पर यहाँ इस बिल्कुल आपने इसको आई अपने इसके साथ चिपका रखा है, मिला रखा है ऐसे, लगा के देख रहे ऐसे बिल्कुल, ठीक है? तो क्या हुआ, आप इसको देख रहे हो, लाइट आती है ऑब्जेक्ट सन से लाइट या ट्यूब से लाइट इसके ऊपर लगेगी, और लग के आपकी तरफ आई ऐसे, ठीक है बेटा? बीच में ग्लास आ गया, ग्लास ने क्या किया लाइट को बैंड टुवर्ड नॉर्मल, पता है आपको, ऐसे मोड़ दिया। तो हमारी आई को क्या लगेगा, हमारी आई सीधा देखती है ऐसे कहाँ से लाइट आ गई है, हमारी आई को लगेगा कि लाइट ऐसे इसको पीछे इंक्रीज करेगी, हमारे ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगी सीधा, बिल्कुल स्केल के साथ कर सकते हो आप, बना सकते हो बेटा इसको ऐसे सीधा। तो आपको ए कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर इधर दिखेगा। तो ये क्या किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। आपकी आई क्या करती है बेटा, सीधा देखती है कि लाइट कहाँ से आ रही है, उसको नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लाइट देखती है लाइट कहाँ से आई अपनी, सीधा करती है उसको ऑब्जेक्ट, वहीं पर ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है। अब आप इसके रूल अगर आपको लिखने हैं, वो ला नहीं बोला जाते बेटा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बैंड टुवर्ड नॉर्मल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्शन के रूल नहीं बोले जाते, रूल अलग है बेटा, ठीक है ना? वो रूल समझा देते हैं आपको हम क्या होते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बनाना है ये समझा देता हूँ आपको मैं। अब पेपर में आया क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। तो आपने क्या किया, ये लाइन लगाई, ये लाइन क्या करती है, ऊपर लिखती है एयर, एयर मीडियम, नीचे लिखती है वाटर, नीचे कौन सा मीडियम है, वाटर, ये मीडियम वन मीडियम टू, लाइट आती है एयर टू वाटर। तो ये इंटरफेस बोला जाता है इसको, मीडियम इंटरफेस, जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा, एंगल कहाँ पर बनाना है, नॉर्मल और रे के बीच में, वही कंसेप्ट बिल्कुल सेम आई। अब आपकी लाइट अगर सीधा निकालें कैसे जाती, लाइट ऐसे जाती, बट लाइट एयर टू वाटर आ रही है, रेयर टू डेंसर आ रही है, तो क्या रूल है, बैंड टुवर्ड नॉर्मल। तो आपकी लाइट, अब देखो बेटा इसका यूज इसलिए सिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि हमने रे डायग्राम बनाने लेंस के, और जब मैं आपको लेंस के रे डायग्राम बनाऊंगा सिखाऊंगा तो इन रूल का यूज करेंगे वहां पर। लाइट ऐसे जाना चाहती थी बैंड टुवर्ड नॉर्मल, तो लाइट ऐसे ही मुड़ेगी, इधर उधर नहीं जाएगी, उधर गई तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, इधर मोड़ना आपने, तो लाइट यहाँ से कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये एंगल क्या बनेगा यहाँ पर, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, एक डायग्राम बना के दिखाते हैं मैंने आपको कि कैसे डायग्राम बनाना आपने, ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को? उसके बाद अब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, कितना मुड़ती है किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी केस में तो थोड़ी मोड़ देते हैं, किसी में ज़्यादा मोड़ देते हैं, ये तो चलो हम रफ बना रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये कितना मुड़ेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है बेटा जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में कितना चेंज है, जितना ज़्यादा उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज होगा उतना ज़्यादा क्या करेगी, लाइट बैंड होगी, यानी कि इसकी जितना ये ज़्यादा डेंस होगा वाटर उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाइट नॉर्मल तरफ बैंड होगी। तो ये बात समझ आई, दोबारा
जितना ज़्यादा इस वोटर की ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा क्या करेगी लाइट इधर मूवमेंट करेगी बेटा। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को हम बार बार ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं लिखेंगे, उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बना दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं जब इस चैप्टर को कराता हूँ या इसके लॉ लिखवाता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, तो हम क्या करते हैं उससे पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाता हूँ बेटा बच्चों को, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आ गया यहाँ पर। और जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम ही नहीं पता होगा, उसका टॉपिक का ये नहीं पता होगा क्या हो, तो आप ला नहीं लिख पाओगे। तो ला लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब उससे पहले आप इसको नोट कीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा। तो हम इसके बाद का जो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने करना है, उसके लिए हम एक बेटा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो भी लेंथी टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके न्यूमेरिकल भी हैं, 3 से 4 न्यूमेरिकल भी करने हैं हमने उसके, तो ये वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर आज हम इसको ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। और आप बेटा इनको ना, जो मैं ये वीडियो डालता जा रहा हूँ, आप इनको 1 by 1 देखिए। अगर आपने ये चैप्टर सीखना है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत अच्छे से आपको मैं चैप्टर सिखा रहा हूँ ये, अगर आप इसको ऐसे सीखते गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में, आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, वो भी पढ़ सके अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।